पूर्व न्यायाधीश आर एम लोढ़ा के बीसीसीआई रिपोर्ट के अनुसार मैदानी खेलों के लिए प्रत्येक राज्य में एक ही संगठन रखने तथा उसे ही मतदान का अधिकार देने की सिफारिश किए जाने से हॉकी इंडिया की ओर से विदर्भ हॉकी एसोसिएशन की संलग्नता 1 जुलाई 2020 से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को चुनौती देते हुए विदर्भ हॉकी एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अब मूल याचिका के समर्थन में 8 जिला हॉकी संघ की ओर से अर्जी दायर की गई। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लौर ने अर्जी स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। इंटर विनर के रूप में जिला हॉकी संघ द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वे विदर्भ और खानदेश विभाग में जिला हॉकी संघ का प्रतिनिधि करते हैं। अदालत का मानना था कि यदि प्रकरण को देखा जाए तो विदर्भ हॉकी संघ के तहत आने वाली प्रत्येक इकाई को इस याचिका में मध्यस्थ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बेवजह इस तरह से याचिका का बोझ बढ़ता जाएगा। इस पर मध्यस्थों का मानना था कि वरिष्ठ इकाई द्वारा उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यदि ऐसे जिला संघ को अलग कर दिया जाए तो वे स्वतंत्र रूप से अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकेंगे। लंबी दलीलों के बाद अदालत ने केवल याचिका का आकार बढ़ने की संभावना जताते हुए अर्जी ठुकरा दी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता परचुरे का मानना था कि 10 मई 1959 को मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन के नाम से संगठन का पंजीयन कराया गया था। राज्य के पुनर्गठन के बाद 30 मार्च 1962 में विदर्भ हॉकी एसोसिएशन से परिवर्तित कर नागपुर में इसका मुख्यालय रखा गया। एसोसिएशन में न केवल विदर्भ बल्कि मराठवाड़ा और खानदेश के जिले भी शामिल है। राज्य सरकार की ओर से सिविल लाइन्स में करीब 3 एकड़ जमीन एसोसिएशन को प्रदान की गई। सदर में भी करीब 2 एकड़ जमीन दी गई। इन हॉकी मैदानों पर कई कैंप, टूर्नामेंट, सब जूनियर, जूनियर और वरिष्ठ स्तर की स्पर्धाएं भी आयोजित की जा चुकी है। अधिवक्ता परचुरे ने कहा कि 1980 और 1985 के दौरान इसी तरह से एसोसिएशन की संलग्नता रद्द करने का प्रयास किया गया था, जिसके खिलाफ कड़ा संघर्ष होने के बाद इस नीतिगत फैसले को लागू नहीं किया गया।